गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपी सीरा फूड। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टीनेजर के लिए बेस्ट स्किन केयर रूटीन। तो अगर आप टीनेजर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और अगर आप एक मॉम हो तो ये वीडियो आपके किड्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टीनेजर के लिए बेस्ट डे और नाइट स्किन केयर रूटीन। और हाँ, इसे सारे टीनेजर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल। बट यार फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगी, या फिर आप इसे मेरा रिक्वेस्ट समझ लो कि आप अपने स्किन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करो, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो हमारी स्किन को नीड ही नहीं है एक्सपेंसिव टोनर की या क्रीम की, हमें जरूरत होती है बहुत सिंपल और माइल्ड प्रोडक्ट की। तो वो प्रोडक्ट क्या है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आज बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे अपने स्किन का ख्याल रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि स्किन केयर का सबसे फर्स्ट रोल होता है स्किन क्लीनिंग या फेस वॉश। तो मैं यहाँ पे फेस वॉश के लिए यूज करूंगी हिमालय प्योरिफाइंग नीम फेस वॉश। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो फेस वॉश है वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड फेस वॉश है, बहुत ही नेचुरल है, और मैं आज इसी फेस वॉश को रिकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये टीनेजर के लिए बेस्ट फेस वॉश है और ये ऑल स्किन टाइप भी है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो नीम है तो हम सभी जानते हैं कि नीम एंटी बैक्टीरियल होता है, और इसी एज में हमें सबसे ज्यादा पिंपल होने का भी टेंशन रहता है। तो इस फेस वॉश से हमें पिंपल की टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस फेस वॉश को 6 और 7 साल लगातार यूज की हूँ। जब मैं अपने टीनेज में थी, देन मैंने गुड वाइब्स का प्रोडक्ट यूज किया था, उससे पहले मैं इसी प्रोडक्ट को यूज करती थी। तो चलिए मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो हम थोड़ा सा नीम फेस वॉश ले लेंगे, इसका आप कलर देख सकते हो, और इसका स्मेल बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही ऑसम सा स्मेल है इसका। मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब मैं अपने स्किन को वाइप ऑफ कर लेती हूँ। सो गाइज, आफ्टर फेस वॉश हमें जरूरत है अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने की। टीनेज में हमें अपने स्किन को टोन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे स्किन में वो नमी अभी बरकरार होती है। तो इस टाइम हमें जरूरत होती है मॉइस्चराइज करने की। तो हमें चाहिए होता है एक ऐसा माइल्ड मॉइस्चराइजर जिसमें बहुत ज्यादा हार्श केमिकल नहीं हो। तो इस समय मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बेबी क्रीम यूज करें, क्योंकि उसमें बहुत ही कम केमिकल होता है और पैराबिन सल्फेट फ्री होता है। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी। फ्रेंड्स, मैं यूज कर रही हूँ हिमालय बेबी क्रीम, और मैं आपको बता दूं कि ये फ्री फ्रॉम पैराबिन और मिनरल ऑयल्स है, और सिंथेटिक कलर भी इसमें ऐड नहीं है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑलिव ऑयल है, कंट्री मैलो है, जो हमारे स्किन को बहुत ज्यादा नरिश करता है, और हमें इस एज में इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। तो मैं यही यूज करती हूँ। और अगर आप चाहें तो जॉनसन का भी क्रीम यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा माइल्ड होता है। तो टीनेजर के लिए बेस्ट क्रीम है। मैं तो अभी भी कभी कभी इसे यूज कर लेती हूँ जब मुझे अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं इसे थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ। ये बहुत जल्दी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है और ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, और आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट है। सो फ्रेंड्स, अब तो हमने अपने फेस को कर लिया है मॉइस्चराइज। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल जाते हो या आपको बाहर जाना पड़ता है अपने ट्यूशन के लिए या कोचिंग के लिए, तो आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। सनस्क्रीन बहुत ही मस्ट है गाइज, इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर बाय द वे आपके पास सनस्क्रीन ना हो तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो एज ए सनस्क्रीन। ये सन के यूवी रेज को डायरेक्ट आपके स्किन तक नहीं आने देगा। तो मेरे पास यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल है, तो आप इसे भी एज ए सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा अप्लाई करके। और हाँ गाइस, ये आपके स्किन में बहुत ही ज्यादा सूदनेस भर देगा। तो ये हमने एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया है। तो अब हमें जरूरत है अपने लिप को मॉइस्चराइज करने की। तो लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लिप बाम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा एक लिप बाम है मेरे पास, एक्चुअली मेरे पास एक नहीं दो लिप बाम है, आप चाहें तो उनमें से कोई भी ले सकते हो। फर्स्ट वैसलीन,
तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है लिप के लिए। और सेकंड जो है मेरे पास वो है ये छोटू सा चेरी लिप बाम, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा और टीनेज के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें किसी तरह का हार्स केमिकल होता ही नहीं है, तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये चेरी लिप बाम अप्लाई करूंगी। तो अब हमने अपने लिप को भी कर लिया है मॉइस्चराइज। तो ये है हमारा सिंपल और इफेक्टिव डे स्किन केयर रूटीन। तो अगर मैं नाइट की बात करूँ तो आपको ये सेम प्रोसेस नाइट में भी करना है, बस आपको सनस्क्रीन को स्किप कर देना है। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपके स्किन पर पिंपल और एक्ने बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप कोशिश करें फ्रेंड्स कि आप केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर रहें, क्योंकि इस समय आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो गाइज मैं फिर से आपको ये बात कहूंगी कि इस टीनेजर वाले एज में आपको किसी भी तरह के एक्सपेंसिव क्रीम या टोनर की जरूरत नहीं है। इस समय आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है, आप माइल्ड प्रोडक्ट का ही उपयोग करें। वीडियो अच्छी लगे तो ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे हिट कर दें। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही इफेक्टिव वीडियो लेकर आपके साथ मिलती रहूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। टाटा बाय।